Hello beautiful people, welcome to our channel Apurva and Abhya. Please subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी स्पाइसी और इंस्टेंट बनने वाली चटनी की रेसिपी जिसको आप मोमोज फ्राइड मोमोज या फिर किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं। तो ये है इसके इंग्रेडिएंट्स और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप एक पैन के अंदर 2 कप पानी ले लें और उसके बाद 6 से 7 सूखी लाल मिर्च पानी के अंदर डाल लें और पानी को बॉईल कर लें। देखिए इस तरह से जब लाल मिर्च कलर छोड़ दे तो आप यहाँ पर इस तरह से, मैंने यहाँ पर टमाटर को 2 भागों में काट लिया है और यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इनको भी इसके अंदर डाल दिया है। हमें इसे बॉईल करना है, 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे तो आप देखेंगे टमाटर इस तरह जब छिलके से अलग हो जाए तो ये अच्छे से बन गई है। अब उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में डालकर ब्लेंड कर लें। देखिए इस तरह की पेस्ट बन गई है। उसके बाद एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर सॉटे कर लें। अगर पेस्ट नहीं है तो सिंपल जिंजर और गार्लिक डाल के भी सॉटे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने प्योरी बनाई थी उसको इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। जब इस तरह से बॉईल आ जाए तो इसके अंदर 2 चम्मच चिली सॉस ऐड कर लें। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। अगर दोस्तों आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसको इसी तरह से रहने दें, या फिर अगर आप इस तरह की सॉस चाहते हैं जो थोड़ी सी खट्टी मीठी हो तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर भी डाल सकते हैं। इस तरह से शुगर डालने के बाद इसे 2 मिनट तक बॉईल आने दें और यहाँ पर हमारी झटपट इंस्टेंट बनने वाली चटनी तैयार है। तो देखा आपने घर पर हम कितनी आसानी से ये चिली सॉस बना सकते हैं। अब आप इसे किसी भी अपने फेवरेट स्नैक के साथ इंजॉय कर सकते हैं और इस चिली चटनी को आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।